छठीग्रह मार्ग स्थित वृंदावन चंद्रोदय मंदिर में पानी हाथी चेड़ा दही महामहोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। हम आपको बता दें कि गौड़िया मठ वैष्णव संप्रदाय में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली त्रयोदशी को पानी हाथी चेड़ा दही महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। रविवार को वृंदावन चंद्रोदय मंदिर में प्रातः मंगला आरती से शुरू हुए इस महामहोत्सव में भगवान श्री राधा वृंदावन चंद्र की धूप आरती, नवीन पोशाक धारण, छप्पन भोग, पालकी उत्सव, फूल बंगला, पुष्प महाभिषेक और नौका विहार आकर्षण का केंद्र बना रहा। शाम को मंदिर में भक्तों द्वारा नित्यानंद और गौरांग महाप्रभु के श्री विग्रह को पालकी द्वारा मंदिर प्रांगण स्थित कल्याणी मंदिर पर लाया गया, जहां उन्होंने कल्याणी के पावन जल में डुबकी लगाई। इसके पश्चात नित्यानंद और गौरांग महाप्रभु के श्री विग्रह का पुष्प महाभिषेक वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान निताई गौरांग को बहुत ही आकर्षक वस्त्र और विशेष रूप से तैयार किया गया था। पुष्पों की माला से सजाया गया और उन्हें नौका विहार के लिए ले जाया गया, जहाँ पर भक्तों ने भगवान के श्री विग्रह पर हरिनाम संकीर्तन की मधुध्वनि के मध्य पुष्प अर्पित कर नित्यानंद और गौरांग महाप्रभु का शोभाशीष प्राप्त किया। वहीं कार्यक्रम के समापन पर महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें बढ़ चढ़कर भक्तों ने हिस्सा लिया। इसके साथ ही भक्तों को विशेष रूप से निर्मित दही चिड़ा का प्रसाद भी प्रदान किया गया। हरे कृष्णा, आज पानीहाटी उत्सव है और यह 550 वर्ष पुरानी एक लीला है जो कलकत्ता के पास पानीहाटी ग्राम में हुई थी। चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों के समूहों के साथ ये लीला की थी, वही लीला आज हम स्मरण कर रहे हैं। और मंदिर में छप्पन भोग की झांकी है और बोट फेस्टिवल किया जाएगा। गौर निताई की पालकी निकलेगी, उनका अभिषेकम होगा और नौका विहार उनको करवाया जाएगा। तो काफ़ी भक्त लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आए हुए हैं और हम सभी लोग इसको आज मना रहे हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।